हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। आई थिंक सो ये आपकी लास्ट क्लास होगी अगर हम सब कुछ कंप्लीट कर पाए। कुछ ज़्यादा बातें बची नहीं हैं। पिछली क्लास की बात करूँ तो ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका था, थिंक बिलीव कंसीडर तक। लास्ट मैंने पिछली क्लास में यहाँ छोड़ा था कि हमें ये डिस्कस करना है ना, कि सी, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर। मैंने कहा इन सबका मीनिंग एक जैसा ही होता है, कुछ कुछ कैसे होता है ये कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए कह रहा था। तो चलिएगा, जरा एक बार शुरू करते हैं इसी को। और मुझे लगता है इसी में से बहुत सी वर्ब्स मुझे डिस्कस करनी है यहाँ से, कुछ काम काम की वर्ब्स जिससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो, और ये तो मुझे भी डिस्कस करना ही है। उसके बाद फिर दो चार वर्ब्स डिस्कस करनी है जो थर्ड फॉर्म कन्फ्यूजिंग होती हैं, जो पेपर में पूछी जाती हैं। बस चैप्टर खत्म हो गया आपका, खत्म इन द सेंस की थ्योरी खत्म हो गई, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखो भाई, चाहे सी है चाहे फील है, चाहे स्मेल है चाहे टेस्ट है चाहे हियर है ना, ये पांच के पांच, इन सब का मीनिंग नोटिस करने से ही निकलता है। इन सब का मीनिंग निकलता है किसी ना किसी चीज को क्या करना, किसी ना किसी चीज को नोटिस करना। ठीक है, और जब जब इन सब का मीनिंग नोटिस करने से बनेगा तब तब इनकी एनजी फॉर्म नहीं बनेगी, कई बार मीनिंग बदल भी जाता है। जनरली तो इनका मीनिंग नोटिस करना ही है। अब देखो नोटिस करना कैसे कैसे, जैसे मैंने कहा सी, सी का मतलब आप नोटिस कर रहे हो आंखों से। मैंने कहा फील है, फील का मतलब कि आप नोटिस कर रहे हो बॉडी से कहीं ना कहीं से, है ना, जैसे गर्म प्रेस लगा दें आपको, तो वो फील वाली बात है। स्मेल कहाँ से, नाक से नोटिस कर रहे हो किस चीज को। टेस्ट जीभ से नोटिस कर रहे हो। हियर कहाँ से नोटिस कर रहे हो, कानों से नोटिस कर रहे हो। ज्ञान इंद्रियां होती है हमारी, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो पांच हमारे वो है वो यही है कि आंखों से नोटिस करना, स्किन स्किन से नोटिस करना, नाक से नोटिस कर रहे हो, टंग से नोटिस कर रहे हो अपना, और कानों से नोटिस कर रहे हो। ठीक है, ये एक तरीके से नोटिस करना ही है, बस बशर्ते आपने कहाँ से नोटिस करा है वो चीज़ देखी गई है। तो किसी चीज़ को नोटिस करना एक बेसिकली टेम्प्रेरी एक्शन है, सॉरी एक तरीके से टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, सडन एक्शन है ना। ऐसा एक्शन है जो मोमेंट्री एकदम, है ना, मोमेंट्री इन द सेंस की जैसे कोई चीज़ नोटिस करनी है, आपने आपकी नज़र में कोई चीज़ आई तो वो जस्ट एक सेकंड में आ जाएगी। ऐसा नहीं एक घंटा भर लगेगा उसको देखने में, है ना, या कोई चीज़ आपको स्मेल आ रही बड़ी ख़राब सी, वो तुरंत आ जाएगी आपको स्मेल, है ना। तो ये मोमेंट्री एक्शन होते हैं, आप इनको ये नहीं कह सकते कि बहुत सारा टाइम टेकिंग है। एक्शंस को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, है ना, मोमेंट्री या फिर टाइम टेकिंग। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था एक्शंस को हम और अलग दो पार्ट में बांट रहे हैं, वो कौन से थे आपको बताने हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट्स में और बांटा था एक्शंस को, है ना। चलो मैं बता ही देता हूँ, तुम भी याद करोगे। इससे पहले मैंने कहा था एक्शन को बांटते हैं दो पार्ट्स में, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट। अगर आपको लगता है एक्शन टेम्परेरी है तो एनजी फॉर्म शॉक से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है एक्शन परमानेंट है, किसी भी कीमत पर एनजी फॉर्म नहीं बनेगी। दूसरी चीज, एक चीज मैंने अब फिर से बता दी कि अगर माना तुम्हें यहां से बात समझ में नहीं आ रही कि एक्शन को किस तरीके से डील करूं, यार ये क्या कह दिया सर ने, मेरे तो नहीं आ रहा समझ में, ऐसे कर लो। अगर आपको लगता है एक्शन कैसा है, मोमेंट्री है और एक्शन है टाइम टेकिंग, है ना। मैंने कहा यार मम्मी है रसोई में खाना बना रही है यार, तो खाना बनाना टाइम टेकिंग एक्शन है ना, खाना बनाना टाइम टेकिंग एक्शन है, तो आप क्या कहोगे, माई मदर इज मेकिंग द फूड, कि मेरी मम्मी जो है खाना बना रही है, आई एम मेकिंग सम डिलीशियस फूड। ठीक है, या कुकिंग सम डिलीशियस फूड आप ही कह रहे हो, तो माई मदर इज कुकिंग सम डिलीशियस फूड, मतलब तो कुकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टाइम टेकिंग एक्शन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई मोमेंट्री एक्शन है ना, बोले यार मैंने देखा मेरे पीछे कोई था, मैंने देखा मेरे पीछे कोई था और वो एकदम से निकल गया, या कुछ भी आप ऐसा कह रहे हो, तो ये एक्शन जनरली मोमेंट्री होते हैं जिसमें एक झटके से एक चुटकी बजाते काम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, क्योंकि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाती है, और कंटिन्यूअस एक्शन जनरली तो ऐसे नहीं बनेगा कि एक झटके में पलक झपकी काम हुआ। ठीक है, टेस्ट है खाना, तुम टेस्ट की बात कर रहे हो, तुमने चाय पीने की कोशिश करी, गर्म हो रही थी, तुम कई घंटे लगेंगे पता करने में, बोले अच्छा दो चार घूंट पी लेता हूँ फिर पता चलेगा गर्म है या ठंडी। अरे वो सेंसेस हैं तुम्हारे यार, वो तुम एकदम मतलब तुम्हें झटके से एकदम छूते ही पता चलेगा कि हाँ यार गर्म हो रही है भाई। तो दिस मतलब ऐसी जो चीजें हैं, है ना, इन चीजों के लिए आपको इस तरीके से डील करना है, या तो टेम्परेरी परमानेंट से पता कर लो कि एक्शन कैसा है। टेम्परेरी है तो आईएनजी फॉर्म बनाओ, परमानेंट है तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी।
सेम तुम्हें लगता है ऐसे काम नहीं चल रहा तो ऐसे बना लो, मोमेंट्री है, टाइम टेकिंग, झटके से एकदम काम हो गया, बहुत टाइम नहीं लगा, मोमेंट्री है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। लेकिन हाँ कोई काम करने में, मैंने कहा मैं यार खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद तुम्हारे साथ खेलने चलता हूँ, कोई काम करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। खाना खाने में यार 5-10 मिनट तो लगेंगी, और बस वही बात है, 5-10 मिनट लगेंगे, तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है, और टाइम टेकिंग एक्शन के लिए आईएनजी फॉर्म बिल्कुल क्या होती है सही होती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस देता हूँ, देखो पेपर में आया था क्या, आई एम सीइंग, कोई भी किताब आपके पास होगी प्रीवियस ईयर की जरूर मिलेगा सेंटेंस में, आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस, कुछ ऐसा, इसका थोड़ा बड़ा वर्जन था, इसको छोटा कर दिया गया तुम्हारी सहूलियत के लिए, आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस, इसको बांट रखा था ये, तो आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस, मैंने ये सेंटेंस लिखा, मुझे मैं, अब जब तुम एरर देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, नोटिस करने की कोशिश कर रहे हो, जब भी तुम एरर ढूंढ रहे हो क्या कर रहे हो, आंखों से नोटिस कर रहे हो, जब तुम एरर ढूंढ रहे हो आंखों से नोटिस कर रहे हो, तो आप उस चीज को आप कहोगे नोटिस करने में, किसको कहोगे नोटिस करने में, और नोटिस करने के लिए सी की आईएनजी फॉर्म कभी नहीं बनती है, तो आई एम सी नहीं क्या कहेंगे, आई सी नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो अगर आप समझ गए कि सी का मतलब क्या है, अब देखो सी का मतलब क्या हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ, जो सी है ना सी, इसके कई सारे मतलब है भाई, एक तो सी का मतलब मैंने बताया नोटिस करना, जब जब तुम नोटिस करने की बात करोगे ये स्टेटिक एक्शन होगा एक तरीके से, उसमें तुमने कोई एक्शन एक्शन खास करा नहीं, आंखें चला रहे हो तुम, है ना, इसके इस कंडीशन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो बनेगी नहीं। लेकिन जैसे सी का मतलब मिलने से भी निकलता है, आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में, आई सी यू लेटर, आई सी यू लेटर मतलब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, है ना, बहुत सी मूवीज वगैरह में डायलॉग वगैरह आपने सुना होगा कि आई सी यू लेटर, है ना, आई सी यू एट होम, कि मैं तुमसे घर आके मिलता हूँ यार, अभी मुझे काम है मैं जा रहा हूँ। तो ये जो मिलना है इसकी बेशक आईएनजी फॉर्म बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आई सी यू देयर, है ना, मैं तुम्हें वहां पे मिलता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर सी का मतलब देखने से है, सी का मतलब किससे है, देखने से है, किसी चीज की फिजिकल फॉर्म, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में एनी टेंस, जो टेंस तुम्हारे समझ में आ रहा है वो लगा दो, जो जरूरत है वो लगा दो। अब तुम कहोगे सर ये कैसी बात है, मेरे तो समझ में आई नहीं, यार नोटिस करना बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है, किसी चीज की फिजिकल फॉर्म नहीं, जैसे मैंने कहा सेंटेंस में जब कुछ तुम कुछ एरर ढूंढ रहे हो तो उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है, कि वो घूम रहा हो, पर मैंने, अरे इधर आ तेरी गर्दन पकड़ के देखता हूँ पीछे ठप्पा है कि नहीं है, बताओ पॉसिबल है एरर की, वो केवल तुम पेपर पे लिखा हुआ देख रहे हो, उसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है कुछ भी, तुम सोचो कि फिजिकल फॉर्म किसी चीज की होगी, माना कि मैं खड़ा हूँ बस स्टॉप पे बस देख रहा हूँ, ठीक है, तो बस देखने के लिए तुम्हें टाइम लग सकता है कि तुम देख रहे हो, ये इंतजार कर रहे हो उस चीज का, वो फिजिकल फॉर्म किस चीज की देखना अलग चीज है, और कोई चीज नोटिस करना अलग चीज है, समझ रहे हो, कोई चीज देखना, तुम खड़े हो बस का इंतजार कर रहे हो उसको देख रहे हो, वो चीज टाइम टेकिंग हो सकती है, नोटिस करना सडन इमोशन है, एकदम 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 सडन एक्शन है, यूं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, नोटिस जनरली नोटिस करना आप वो कर रहे हो कि एक एक ऐसा मान के चलो कि जैसे यहाँ पे हमने एरर वाली बात करी, इसकी फिजिकल फॉर्म थोड़ी है कोई, या आपने फिजिकल फॉर्म ढूंढी हो कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ, नहीं, तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ, सी फील स्मेल टेस्ट हियर जो है ये नोटिस करने वाली चीज है, और ये फिजिकल फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, किसी को फिजिकल फॉर्म में देखना है क्या, है ना, ये केवल सेंसेस की बात चल रही है, आप अपने सेंसेस से कोई चीज नोटिस कर रहे हैं, है ना, अचानक से कोई चीज आपने देखी आपके सामने आ गई थी, है ना, तो वो सेंसेस से आपने नोटिस करा कि यार मेरे सामने से तुम गाड़ी निकली, मुझे पता भी नहीं चला आपने ऐसा कहा, तो दैट इज वॉट, देखना नहीं दैट इज नोटिस करना, और नोटिस करना है तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, देखने वाली बात है तो आईएनजी फॉर्म बन सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपको बताया सी के बारे में, ठीक है भाई। उसके बाद दो चीजें होती हैं, एक तो हियर होता है और एक क्या होता है, लिसन होता है, ठीक है, तो ये पूछा जाता है हियर और लिसन, है ना। अब जैसे हियर की बात आई है तो मैंने हियर से दो बातें निकाल ली, हियर से हियर और लिसन निकाल दिया, देखो हियर और लिसन में क्या फर्क होता है मैं आपको बताऊं, देखो हियर माने होता है सुनना, है ना, हियर माने क्या होगा, बेसिकली सुनना होगा ऐसी चीज, अगर ऐसे मान के चलो वो चीज सुनना, मतलब जो कोई चीज खुद से जो सुनाई दे रही है उसको हियर कहते हैं, समझ रहे हो, कोई चीज खुद से जो सुनाई दे रही है उसको क्या कहते हैं, हियर कहते हैं, है ना। तो अब मैं इसको ध्यान से सुनना लिख देता हूँ,
हालांकि मीनिंग मतलब मैं हिंदी तो मैं ऐसे प्रॉपर बता नहीं पा रहा था, मैं सेंटेंस से बेहतर बता पाऊंगा लिसन और हियर क्या है। देखो जैसे मैंने एक बात कही कि भाई तुम अभी बैठे हो मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, जो तुम मेरी बात सुन रहे हो वो बहुत ध्यान से सुन रहे हो कि यार सर बड़े काम की बात बता रहे हैं, तुम मेरी बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हो क्लास में, तो ये लिसन है। लेकिन कई बार पीछे से एक बाइक निकल के जाती है ना, सब्जी खाना खाना वाना बन रहा होता है तो कुकर की आवाज आती है, श वो क्या है, वो सब एक्स्ट्रा साउंड्स हैं जो तुम नहीं भी चाहते तुम वो भी तुम भी सुन पा रहे हो, वो क्या है, वो हियर है। अपने कमरे में बैठे हो पर पंखे की आवाज आ रही है, तुम वही सुनना चाह रहे हो क्या, बोले आज तो बैठ के पंखे की आवाज सुनूंगा सारी रात, सुबह को सारा पेपर तैयार हो जाएगा, पॉसिबल है? तो ये जो हियर वाली बात है कि हियर तो है एक ऐसी चीज है जो तुम सुनोगे सुनोगे, ये अगर तुम्हारे कान ठीक हैं तो हर वो आवाज जो एक्स्ट्रा है और तुम्हारे काम की नहीं है, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सब की सब हियर में ही आएगी, सब की सब किस में आएंगी, हियर में ही आएंगी। लेकिन इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, कि आप किसी बात पर फोकस कर रहे हो कि हाँ यार ये तो बड़े काम की चीज है, आई मस्ट लिसन, की मुझे सुननी ही सुननी चाहिए, तो उस सिचुएशन में लिसन होता है ध्यान से सुनना, ठीक है? नहीं अब जैसे माना आपने एक सेंटेंस कहा, मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि आई वॉज हियरिंग सम नॉइस देयर, तुम अपना काम कर रहे हो पीछे से कुछ आवाज आ रही है, आई वॉज हियरिंग सम नॉइस देयर माना कोई किसी घर में लड़ाई हो रही है, कोई बर्तन वर्तन गिर गया है, क्या है, तुम मुझे बताओ तुम वही बात सुनने बैठे थे, अरे आज तो बर्तन गिरेगा इनके घरों में लड़ाइयाँ होंगी तो मैं सुनूंगा, अरे नहीं यार तुम अपना काम कर रहे थे, तुम्हें एक्स्ट्रा आवाजें कुछ आ गई, तो ये बेसिकली सुनना है। और अगर फिर वही बात है, वो एक्शन जो तुम करना नहीं चाह रहे खुद हो रहा है, जैसे सी है, तुम्हारी आंखें खुली हैं कुछ ना कुछ तो दिखेगा, समझ रहे हो, नहीं कुछ ना कुछ तो दिखेगा, तुमने कोई चीज देखी है, तुमने कोई चीज ध्यान से देखी है, तुम्हारा अपना काम था तुमने देखी है, वो चीज एक्शन है। सी मतलब देखना, वो फिजिकल फॉर्म वाली बात है, तुमने आंख खोली है कुछ ना कुछ तो दिखेगा, तुमने आंख खोली तुमने देखा सड़क पे एक आदमी बैठा था, तुमने देखा सड़क पे एक आदमी बैठा था, तुम उसे देखना थोड़ी जा रहे थे, लेकिन तुम रास्ते में जा रहे थे जाते जाते तुमने देख लिया है ना, तो वो है नोटिस करना, तुमने सड़क पे जाते हुए नोटिस करा एक आदमी बैठा था, इसमें तुमने आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि तुम जानबूझ के देख रहे हो, तुम वेट कर रहे हो उस चीज का ऐसा कि आईएनजी फॉर्म बना लो, नहीं केवल नोटिस करा, तुम्हारा पर्पस नहीं था नोटिस करना, तुम जैसी मोड़ पे गए आपने देखा दो लोग लड़ रहे थे, क्या तुम वही देखने गए थे, नहीं वो जस्ट एक चीज थी कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपने नोटिस कर लिया। सेम है हियर के साथ, इन सब के साथ सेम सिचुएशन होगी, हियर के साथ भी सेम सिचुएशन है। हियर का मतलब मैंने बताया कैसे, कि हियर का मतलब है सुनने से, लेकिन ऐसी चीज सुनना जो तुम्हारे काम की भी नहीं है, कान तो खुले हैं ना, कुछ बर्तन गिरेगा, किसी की लड़ाई हो रही है, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, आपके कान खुले हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आवाज आ रही है, सुनना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आवाज आ रही है, वो क्या है, वो हियर है। और ऐसी सिचुएशन में हियर की आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, हियर की आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, आप सोचो, क्योंकि हियर परमानेंट एक्शन है। हियर कैसा परमानेंट है, परमानेंट एक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने सी स्मेल की, सी की बात करी, सी आंखों से देखना परमानेंट एक्शन है, कैसा एक्शन है, परमानेंट, तुम आंखों से देख ही रहे हो परमानेंट, तुम चाहकर भी बंद नहीं कर सकते, सोच रहे हो, तुम चाहकर भी बंद कर लो, आंखों से देखना बंद नहीं कर सकते, देखोगे परमानेंट एक्शन है। लेकिन हाँ कोई आप अपने काम के लिए कोई चीज ढूंढ रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, वो एक्शन टेम्पररी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आईएनजी फॉर्म बना लो, समझ रहे हो। सेम गोज विद हियर और लेसन, सुनना जो है, जो हियर है, वो परमानेंट एक्शन है, तुम उसको चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकते, समझे। लेकिन हाँ अगर ऐसा हो कि कोई चीज ध्यान से सुननी है तो ध्यान से सुनने वाला एक्शन टेम्पररी हो सकता है, हियर तो परमानेंट एक्शन है, लेकिन मैंने कहा लेसन कैसा हो सकता है, टेम्पररी एक्शन हो सकता है, था मैंने कहा यार बिल्कुल हो सकता है, लेसन कैसा एक्शन हो सकता है, टेम्पररी एक्शन हो सकता है, हियर परमानेंट है, लेसन कैसा है, टेम्पररी है। अब तुम कहोगे आई वॉज हियरिंग सम नॉइज देयर, तो आई वॉज हियरिंग तो गलत है, आप कहोगे आई हियर्ड सम नॉइज देयर, मैंने कोई आवाज वहां पे सुनी। सेंटेंस नंबर दो देखो, ठीक है, दे ऑल हियर्ड, है ना, दे ऑल हियर्ड द स्टोरी विद ग्रेट इंटरेस्ट, उन्होंने सबने स्टोरी सुनी बड़े ग्रेट इंटरेस्ट के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ, दे ऑल हियर्ड, अब देखो ध्यान से सुनना, हियर्ड या लिसन, दे ऑल लिसन द स्टोरी विद ग्रेट, अगर स्टोरी सुन रहे हो विद ग्रेट इंटरेस्ट, इसका मतलब ध्यान लगाया होगा, अगर स्टोरी कोई सुना रहा है, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तो यार तुम सुनने के लिए ही बैठे हो, तुमने ध्यान लगाया है, और अगर आपने ध्यान लगाया है मतलब वो कैसा एक्शन है, ध्यान से सुनना टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन की आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, पहली बात तो अगर जरूरत पड़ रही तो, और दूसरी बात
परमानेंट की एनजी फॉर्म नहीं बना सकते, लेकिन दोनों में भी फर्क है, कहाँ पे हियर यूज होगा कहाँ पे लेसन यूज होगा। जब आपको पता है इंटरेस्ट से कोई बात सुनी जा रही है, मतलब वो ध्यान से सुनने वाली बात है, और ध्यान से सुनना है तो किसका यूज करेंगे, लेसन का ना कि हियर का। किसका यूज करेंगे, लेसन का ना कि हियर का, ठीक है। दूसरी बात, एक आपने सुना होगा सूट करना, है ना, सूट होता है ना, सूट की भाई, ये जैसे मैं कहता हूँ कि दिस शर्ट सूट्स यू, मुझे यही याद आ गया, मैं बता देता हूँ। मैं कहता हूँ दिस शर्ट इज सूटिंग यू, ये भाई बड़ तुम पे बड़ी अच्छी लग रही है शर्ट। गलत है, तुम पे कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, तो ऐसा थोड़ी आज अच्छी लग रही कल नहीं अच्छी लगेगी भाई। कोई चीज़ तुम पे सूट कर रही तो परमानेंट सूट करती है, कहते हैं ना यार ये कुर्ता तुम पे हमेशा अच्छा लगता है यार, है ना। तो आप क्या कहेंगे, दिस शर्ट सूट्स यू, समझ रहे हो। तो इस सूटिंग गलत है, क्योंकि सूट्स कैसा एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। कैसा एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, ठीक है। देखो भाई, उसके बाद मोमेंट्री टाइम टेकिंग वाली बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वे शब्द है, वे जो है वो उस वे का नाउन होता है वेट, वे का नाउन होता है वेट, वे जो है वो वर्ब है, तुमने वेट सुना होगा। वे जो है क्या है, वर्ब है, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। वे जो है वो वर्ब है, और इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वजन होना, मैंने कहा इस बोरी में 100 किलो वजन है, वजन होना किसी चीज में कितना वजन होना फैक्ट है या फिर स्टेट है, ठीक है। किसी चीज का वजन उठाना, समझ रहे हो, वजन उठाना क्या है, एक्शन है। तुम्हें देखना पड़ेगा कैसी बात हुई है सेंटेंस में, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम सोचो कि तुमने अपने मर्जी से बना लिया, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही इज बीइंग बैग्स ऑफ शुगर, ही इज बीइंग मतलब वह वजन उठा रहा है किसका, ये क्या उठा रहा है वो, ही इज वेइंग बैग्स ऑफ शुगर, शुगर के बैग्स उठा रहा है ना। तो मतलब जैसे चीनी वीनी इकट्ठे होते हैं वो उठा रहा है वो, तो इसका मतलब उठाना है यहाँ पर, मतलब उठाने से है, और उठाना जो है वो एक्शन है, और एक्शन की आईएनजी फॉर्म बन सकती है। इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, ही इज इज मोर देन 90 kg, इज वेइंग मोर देन 90 kg, उसका वजन जो है वो कितना है, 90 किलो से ज्यादा है। मैंने माना, मैं ये कह रहा हूँ यार, किसी का वजन 90 kg से ज्यादा होना क्या हो सकता है, स्टेट ही तो है, एक्शन थोड़ी है। तुमने इसमें क्या एक्शन कर दिया बताओ जरा, कि उसका वजन 80 kg है, तो इज वेइंग गलत है। ये फैक्ट है कि तुम्हारा वजन 90 किलो से ज्यादा है। अब तुम कैसा चेंज हो जाएगा, अरे जब चेंज होगा तब वो फैक्ट होगा, जितना वजन है वो अपने आप में एक स्टेट है। तो आप कहोगे ही वेज, ठीक है, ही वेज मोर देन 90 kg, स्टेट है इसलिए आपने वेज का यूज करा, ठीक है भाई। आ जाओ जरा, एक तो हो गई ये बात। अच्छा साहब, ठीक है, थोड़ा सा नो के बारे में बता देते हैं। किसके बारे में बता देते हैं, नो के बारे में। नो जो है स्टेट है, मैंने आपको पहले बताया था, या फिर फैक्ट के रूप में इसको जानते हैं। नो को आप क्या नहीं मान सकते, एक्शन नहीं मान सकते, और नो की कभी भी किसी भी सिचुएशन में आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, ध्यान रखना किसी भी। और ये इतना इम्पोर्टेंट है यार, मैं आपको क्या बताऊं, पेपर में नो कितना पूछा जाता है, कि हद से ज़्यादा नो पेपर में पूछा जाता है, कि नो कहाँ यूज हुआ है बताओ, कैसे यूज हुआ है बताओ, कहाँ यूज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, एक बात रही है। दूसरा, मैं दो चार एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई दोनों जो है कहाँ पे क्या फर्क है। नो को हम कुछ अभी आगे रिलेट भी करेंगे, रिमेंबर से, मेमोराइज से, ठीक है, गेट टू नो से, फाइंड आउट से। अभी टेंशन ना लो, ये बहुत बड़ी सीरीज है एक तरीके से नो वाली, है ना। बढ़िया, चलो मैं दो चार सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद करेंगे बात आगे।
अच्छा 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 देखो भाई, चार सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, देख रहे हो, चार सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब देखो, एक चीज तो पक्की है, जहां पे तुम्हें लग जाए कि ये फैक्ट है, स्टेट है, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो आईएनजी फॉर्म लगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, स्टेट एक फॉर्म में, इसको फर्स्ट फॉर्म में रख दो। जनरली जानना, जनरली नो, जनरली फर्स्ट फॉर्म में रखा जाता है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आईएनजी फॉर्म ना मान के सीधे फर्स्ट फॉर्म, है ना, या फिर सेकेंड फॉर्म लगा लो कि भाई ऐसा हुआ था, है ना, या जो भी आप कहना चाह रहे हो, उस वो तो सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। मैंने कहा आई नो योर एड्रेस, मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है, तो मैं किसी का एड्रेस पता हो ना, एक्शन नहीं है, स्टेट है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नो वर्ब की कौन सी फॉर्म में आया, फर्स्ट फॉर्म में आया, लेकिन सेंटेंस को देख के तुम्हें ये लगना चाहिए कि वो स्टेट है, एक्शन ना हो। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई शेल ट्राई टू नो योर एड्रेस, कि मैं कोशिश करूंगा, अभी पता नहीं है मेरे को एड्रेस, आई शेल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा टू नो, मतलब पता लगाने की, योर एड्रेस, अभी उसे एड्रेस पता नहीं है, अभी उसे एक्शन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पता करने के लिए कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, अभी उसको एड्रेस पता नहीं है। अगर एड्रेस पता नहीं है तो यहाँ एक्शन की जरूरत है, स्टेट की नहीं, क्योंकि अभी वो पता करेगा कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, और उसको पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नो आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा फाइंड आउट, आई शैल ट्राई टू फाइंड आउट। आप कहोगे सर नो क्यों गलत है, मैंने बता दिया ना बच्चे, सेंट अभी उसे पता ही नहीं है एड्रेस, अगर मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है तो ये क्या हो गया, स्टेट हो गया, क्या हो गया, ये स्टेट हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हारा एड्रेस पता करने की कोशिश करूंगा, विल ट्राई, अभी तो पता ही नहीं है एड्रेस क्या है, और पता ही नहीं है तो स्टेट कैसे हो गया, अभी तो तुम्हें काम करना है पता करने के लिए, तो ये एक्शन है, तो आई शेल ट्राई टू फाइंड आउट, आई शेल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट का यूज करो, ज्यादा बेहतर होगा नो की जगह, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ विल यू नो हिज एड्रेस, कि तुम हाउ विल यू नो, कि तुम उसका एड्रेस कैसे जानोगे, अभी पता नहीं है, हाउ विल यू नो, तुम कैसे जानोगे, तो यहां पर भी ये क्या है, एक्शन है, तुम्हें पता नहीं है, तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, हाउ विल यू गेट टू नो, हाउ विल यू गेट टू नो, पता लगाने की कोशिश करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट, दोनों ही ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट हिज एड्रेस, हाउ विल यू गेट टू नो हिज एड्रेस, तुम कैसे पता करोगे। अब तुम कहोगे सर गेट टू नो, अरे मैंने गेट टू नो लिख दिया, पता लगाना, ये गेट जो है वो उसको दिखा देगा आपके जनरल एक्शन को, ठीक है, नहीं गेट टू नो, वैसे कैसे पता करोगे, गेट टू नो डिफिकल्ट लग रहा है, फाइंड आउट लिख लो, दोनों ही बातें ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखो, चौथा नंबर, इसमें लिखा मैंने हाउ डू यू नो हिज एड्रेस, तुम्हें उसका एड्रेस कैसे पता है अभी, अब के देखना, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता उसका एड्रेस, इसका मतलब अभी उसे एड्रेस पता है कि नहीं पता है, उसे एड्रेस पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता अभी उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस उसको पता है, और अगर उसको एड्रेस पता है तो ये एक्शन नहीं है, ये क्या है, स्टेट है, सेम पहले वाले सेंटेंस की तरह है, आई नो योर एड्रेस, है ना, या मैं कहता हूँ हाउ डू यू नो हिज एड्रेस, तुम्हें उसका एड्रेस कैसे पता, ये स्टेट है, और स्टेट है तो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बिल्कुल क्या है, सही है। ये मैंने आपको बताया नो कि नो का यूज कैसे करते हैं, समझ रहे हो, नो के बाद दो दो चीजें आपसे जरूर पूछता है, अगर नो जान नो की बात आ गई तो फिर आपसे डिफरेंस पूछता है पेपर में, किसमें, रिमेम्बर और मेमोराइज में, रिमेम्बर और मेमोराइज दोनों में आपसे डिफरेंस पूछता है। देखो, रिमेम्बर होता है टू हैव समथिंग इन माइंड, किसी बात का आपके दिमाग में होना, टू हैव समथिंग इन माइंड रिमेम्बर है ना, टू कीप समथिंग इन टू कीप समथिंग इन माइंड मतलब कोई चीज दिमाग में लाना, तुम सोच रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो कि अच्छा क्या था यार, क्या था, मैंने कहा यार मेरा नंबर बताओ तुम, क्या बोले सर ये ए, 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 पता नहीं क्या था सर, भूल गए, हम तो कोशिश कर रहे हो याद करने की, हालांकि आपको पहले पता था। अच्छा मैं पूछूं, कोई मुझसे पूछे तुम्हें अपना नंबर याद है, भाई मेरे लिए तो वो स्टेट है, मुझे अपना फोन नंबर बड़े अच्छे से याद होगा, मेरे लिए वो स्टेट है, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है नहीं, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि यार एक ये श्याम नाम का व्यक्ति है, इसका फोन नंबर तुम्हें याद था, मैंने कहा हाँ यार याद था मुझे, बोले तुम्हें याद है, अगर मुझे वो परफेक्टली याद है तो वो रिमेम्बर है मेरे लिए, है ना, टू हैव समथिंग इन माइंड, कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना बड़े अच्छे से, लेकिन अगर तुम्हें याद करने की कोशिश पड़ रही है कि भाई तुम उसको मेमोराइज कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि पता करूं क्या था क्या था क्या था, तो वो मेमोराइज है, दोनों में फर्क है, समझ रहे हो, दोनों में क्या है, दोनों में फर्क है। अब देखो,
जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये कॉन्टेक्ट नंबर वाली बात करी मैंने, तो मैं आपसे कहता हूँ आई एम रिमेम्बरिंग हिज कॉन्टेक्ट नंबर। किसी व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर याद करना था, तो तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोले आई एम रिमेम्बरिंग हिज कॉन्टेक्ट नंबर। क्या सही है? रिमेम्बर का मतलब है तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ परमानेंट होगी। रिमेम्बर का मतलब है तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ क्या होगी? परमानेंट होगी। टू हैव समथिंग, किसी चीज़ का होना, तुम्हारे दिमाग के अंदर होना, ठीक है। रिमेम्बर का मतलब है दिमाग के अंदर ही होना। मेमोराइज का मतलब है कोई चीज़ दिमाग में लेकर आना, है ना। या मैं ऐसे लिख दूं कि भाई दिमाग में लाने की कोशिश करना। कोशिश कैसे लिखते हैं, लिखते हैं पता नहीं, देख लेना भाई। दिमाग में लाने की कोशिश करना, ये मैंने कहा मेमोराइज। ये मैंने क्या कहा? मेमोराइज। टू कीप समथिंग इन माइंड, कोई चीज़ दिमाग में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तुम्हें रिमेम्बर है, तो अगर तुम किसी चीज़ को याद है, तुम्हें परमानेंट याद है, तो रिमेम्बरिंग तो आ नहीं सकता, क्योंकि रिमेम्बर की एनजी फॉर्म नहीं बनती, वो तो स्टेट है। लेकिन अगर आप कहो कि हाँ भाई, मैं कहूँ कि भाई मुझे फ़ोन नंबर याद है, तो आप ये नहीं कह सकते आई रिमेम्बर हिज कॉन्टैक्ट नंबर। आई रिमेम्बर हिज कॉन्टैक्ट नंबर कि भाई मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर पता है, मुझे उसके कॉन्टैक्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर ये मेमोराइज द कॉन्टैक्ट नंबर, बताओ जरा। आई एम ट्राइंग टू मेमोराइज, रिमेम्बर नहीं। अगर वो चीज़ तुम्हें याद थी, तो तुम कोशिश क्यों कर रहे हो याद करने की? आई एम ट्राइंग टू मेमोराइज, ठीक है, कि उसका नंबर क्या था यार, एक बार याद कर, याद कर उसका नंबर क्या था, उसका नंबर क्या था, याद कर एक बार, है ना, ये वाली बात। एक इस तरीके से, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, रिमेम्बर मेमोराइज का, ठीक है। अब थोड़ा लैक के बारे में देख लो, लैक के बारे में पूछना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, याद होगा, है ना। लैक मतलब क्या होता है हिंदी में कहें तो? कमी होना, किसी चीज़ की, है ना, है ना, किसी चीज़ की क्या होना, कमी होना। देखो बहुत सी सिचुएशन है लैक के साथ, एक सिचुएशन नहीं है। बच्चा एक पढ़ लेता है, फिर देखता है ये तो मेरे साथ बड़ी गलती हो गई। लैक जब जब ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेता है, कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। लेकिन लैक्ड, लैक जो है कई बार क्या बनता है? नाउन बनता है। जब ये नाउन बनेगा, अपने साथ क्या लेगा? ऑफ लेगा। लैक कई बार एडजेक्टिव भी बन जाता है। जब जब लैक एडजेक्टिव बनेगा, अपने साथ इन लेगा, ठीक है। तीन सिचुएशन है। लैक जो है ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेगा, कोई प्रपोजिशन नहीं। नाउन बना होगा तो ऑफ बनेगा, एडजेक्टिव बना होगा तो इन बनेगा। अब तुम कहोगे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? अरे बाला, किसी के लिए तो ट्रेन कर रहा हूँ तुम्हें, सोच के देखो। मैं तुम्हें कब से ग्रामेटिकल प्रोफाइल में घुमा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ लगभग 15 से 20 दिन हो गए। अब सोच के देखो, मैं एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब, एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब, कंजक्शन प्रपोजिशन इंटरजेक्शन, ये वो पता नहीं क्या क्या तुम्हें लेके चल रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई, अगर तुम नहीं समझ पाओगे प्रोफाइल, तो धोखा खाओगे, समझे? तो तुम रट सकते हो केवल। नाउन होगा तो अपने साथ ऑफ लेगा, एडजेक्टिव होगा तो अपने साथ इन लेगा, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। और वर्ब होगा तो कुछ नहीं लेगा, क्योंकि वर्ब है तो ट्रांजिटिव है, तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये डिफरेंशिएट तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर कैसे करें, जरा बताओ। अरे मैंने कहा मैं हूं तो सही, देखो एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, वी आर लैकिंग ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। वी आर लैकिंग ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, एक सेंटेंस तो मैंने लिखा। इसके अलावा मैं लिखूं, अभी तो नहीं रख दूंगा, रुको सोचने दो। जैसे ऐसे लिख लो, शी सर्टेनली
हैज नो लैक ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे लिख लो कि अ लैक ऑफ मनी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मी राइट नाउ। मैंने कहा कि वी आर लैकिंग ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। अब देखो इस एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आई होगी, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी तो ये उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बात बता चुका हूँ ठीक है। अब सेंटेंस ठीक है, यहाँ पे लैक क्या बना है, यहाँ पे लैक बना है वर्ब, लेकिन मैंने कहा शी सर्टनली हैज नो लैक, मैंने बताया था नो होता है एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव अपने बात क्या लेगा, नाउन लेगा। जब जब लैक नाउन बनता है अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है, तो लैक के साथ क्या है देखना जरा, लैक के साथ आया ऑफ, नो लैक ऑफ फ्रेंड्स, नो लैक ऑफ फ्रेंड्स, लैक के साथ ऑफ आया। फिर से देखो अ लैक ऑफ मनी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मी राइट नाउ, अ लैक ऑफ मनी है ना, बोले कि कमी जो है ना पैसे की इस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, माना आपने कहा, तो अ लैक ऑफ मनी, लैक यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल लगा है तो किसके लिए लगा होगा, नाउन के लिए लगा होगा, नाउन के साथ अगर आई है तो नाउन के बाद कोई और नाउन जोड़ रहे हो तो प्रपोजिशन क्या ही लगेगी, प्रपोजिशन ऑफ ही लगेगी। नाउन के साथ अगर कुछ आगे जोड़ रहे हो तो नाउन के रूप में अगर प्रपोजिशन लगाओगे, नाउन के साथ में अगर प्रपोजिशन लगाओगे, रूप में कह रहा हूँ सॉरी, नाउन के साथ लगाओगे तो ऑफ ही लगेगा, नाउन के साथ लगाओगे तो क्या ही लगेगा, नाउन के साथ लगाओगे तो ऑफ ही लगेगा, समझ रहे हो। बढ़िया अब बची बात इनकी है ना कि लैक के साथ इनका एग्जांपल क्या है, शी फेल्ट नर्वस एंड लैकिंग इन, शी फेल नर्वस एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस अबाउट हरसेल्फ। मान मैंने सेंटेंस लिखा कि शी फेल्ट नर्वस एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस अबाउट हरसेल्फ, कि जो भी शी है वो क्या क्या महसूस कर रही है, नर्वस महसूस कर रही है एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस अबाउट हरसेल्फ, और खुद के लिए अपना उसका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है हरसेल्फ खुद के लिए। अब देखो यहाँ पे वर्ब तो ये हो गई, शी फेल्ट वॉट, शी फेल्ट नर्वस, वर्ब, वर्ब के साथ उसका क्या आ गया। अब देखो ये लिंकिंग वर्ब है, कैसी वर्ब है लिंकिंग वर्ब पता करो, शी फेल्ट नर्वस या शी इज, शी वॉज नर्वस, शी फेल्ट नर्वस, उसने नर्वस महसूस किया था, नर्वस महसूस किया और शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, एक ही बात है ना, तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो ये उसका क्या हो गया एडजेक्टिव, शी फेल्ट नर्वस एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ये भी एडजेक्टिव ही है, समझ रहे हो। देखो नर्वस और लैकिंग दोनों एडजेक्टिव ही हैं और दोनों जोड़े गए हैं एंड से, ठीक है, लैकिंग यहाँ एडजेक्टिव आया है, जब जब लैक एडजेक्टिव बनता है तो अपने साथ क्या लेता है प्रपोजिशन इन लेता है, जब जब लैक एडजेक्टिव बनता है अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है इन लेता है, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि तुम्हें समझ में आ जाएगा इन तो मैं कम ही मिलेगा, लेकिन मैंने बता दिया अगर लैक के साथ इन मिले तो रोना नहीं, ये क्या हो गया हमारे साथ है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन के रूप में आए तो ऑफ आएगा, एक आधी परसेंट चांसेस है कि इन भी आ जाए, ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा तुम्हें क्लियर कर दिया, अभी तुम बाद में परेशान रहो ठीक है। तो लैक मैंने बता दिया, अब लैक के बाद हमारे पास बनता है और उसके लिए बाद क्या बचा हमारे पास पढ़ने के लिए, लैक मैंने कर लिया, बो बियर बोर बॉन बताना है, ये बात ठीक है, रुको जरा उसको ले लेते हैं, बियर की दो सिचुएशन है पता है, बियर बॉन बोर ठीक है, ये जो बी ओ आर एन ई वाली सिचुएशन है ना, बियर बॉन बॉन, ये मेन वर्ब बनती है बच्चा, और इसका मतलब होता है सहन करना, क्या मतलब होता है इसका, किसी चीज़ को बियर करना, सहन करना है ना, इसका मतलब जन्म देने से भी निकलता है ठीक है। एक और होता है बियर, बियर बॉर्न बॉर ठीक है, ये बनता है पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, क्या बनता है एडजेक्टिव, ब्रैकेट में लिख दूं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, खास करके इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर के दोनों तो सेम है ना, देखो दोनों को देखो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन होना नहीं, एग्जामिनर उसमें भी इतनी बुद्धि है,
कि वो तुम्हें यहीं से सवाल देगा, समझ रहे हो, यहां से तुम्हें वो क्वेश्चन देगा कि भाई बता दे बॉर्न और बॉर्न में क्या फर्क है। अगर सेकंड फॉर्म कहीं आई है तो सेकंड फॉर्म तो दोनों सेम है ना, सेकंड फॉर्म में तो कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन होगा थर्ड फॉर्म में कि थर्ड फॉर्म बी ओ आर एन ई लगाएं या बी ओ आर एन लगाएं, है ना। तो एक तो चीज ये है कि अगर मेन वर्ब के रूप में चाहिए तो बी ओ आर एन ई बॉर्न लगा दो, एक बात है ना। हालांकि ये बात बहुत बहुत रेयरली क्लियर हो पाती है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे ऐसी बहुत सी जगह सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको मुश्किल होती है पहचानने में कि थर्ड फॉर्म है या एडजेक्टिव है। तो मैंने थोड़ी हिंदी आपको दी कि अगर मेन वर्ब के रूप में इसका मतलब सहन करने से निकल सकता है, जन्म देने से निकल सकता है। सहन करना है, क्या करना है, अगर सहन करने से मीनिंग है तो तुम यही लेके चलो कि भाई वर्ब ही है वो, मेन वर्ब के रूप में ही आएगी, लेकिन जन्म देने के रूप में दोनों सिचुएशन ठीक है, समझ रहे हो। जन्म देने के रूप में इसका मतलब भी किससे निकलता है, जन्म देने से ही निकलता है। लेकिन जन्म देना यहाँ पर, ये जन्म देना अगर मीनिंग किसका चाहिए एडजेक्टिव का, तो जन्म देना ले लो बी ओ आर एन वाला। अगर जन्म देने का मीनिंग एज अ वर्ब चाहिए तो कौन सा ले लो, बी ओ आर एन ई वाला। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बी ओ आर एन ई बॉर्न ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव तब बनेगा जब इसका मतलब होगा टू कैरी, जब इसका मतलब होगा टू कैरी, कैरी करना, समझे, किसी चीज को लेके जाना, ठीक है, किसी चीज को कैरी करना, ठीक है। ये वाला मीनिंग अगर निकलेगा तो इस सिचुएशन में आप इसको एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब तुम कह रहे हो यार ये क्या हो गया, इतनी सारी बातें बता दी, ध्यान से सुनो। बी ओ आर एन ई बॉर्न मेन वर्ब बनेगा, इसका मीनिंग होगा सहन करने से या फिर जन्म देने से। बी ओ आर एन बॉर्न एडजेक्टिव बनेगा, थर्ड फॉर्म के रूप में आया है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है, एडजेक्टिव बनेगा, इसका मीनिंग भी किससे होगा, जन्म देने से। कहने का मतलब जन्म देने की बात है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वर्ब लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो, एडजेक्टिव लगा रहे हो। लेकिन अगर सहन करने की बात है तो सहन करने के लिए किसका ही यूज करेंगे, बी ओ आर एन ई बॉर्न का ही यूज करेंगे। टू कैरी, किसी चीज को कैरी करने का मीनिंग है तो भी बी ओ आर एन ई बॉर्न का ही यूज करेंगे। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ा सा बढ़ गया, कोई बात नहीं, मैं हूँ, टेंशन ना लो, चार सेंटेंस दूंगा सारा कन्फ्यूजन उड़ा दूंगा। मैंने आपसे कहा ही वॉज, मैंने फिल इन द ब्लैंक रखा, ऑप्शन आपके सामने हैं, इन अ रिच फैमिली पहला सेंटेंस, देखो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो आपको पता होगा, वॉज वर्ब के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ऑल द एक्सपेंसेस वर बाय द कंपनी, जितने भी खर्चे हैं वो किसने उठाए, किसने सहन करे, कंपनी ने उठाए। मैंने कहा दिस ट्री हैजंट एवर एनी फ्रूट, मैंने कहा इस पेड़ ने आज तक किसी भी फ्रूट को क्या नहीं करा, सहन नहीं करा, जन्म नहीं दिया, आज तक किसी फ्रूट को जन्म नहीं दिया, ठीक है नहीं। और अगर मैं कहूँ जॉन्डिस इज अ वाटर डिसीज, देख लो भाई, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पक्की बात है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, पक्की बात है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पक्की बात है, और इज एम आर के साथ भी कौन सी फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म है। कहने का मतलब वही सेम बात हुई, मैंने जो कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ही सवाल आएगा क्योंकि कन्फ्यूजन वही होता है। ही वॉज इन अ रिच फैमिली, वो रिच फैमिली में क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। अब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म रखोगे, है ना, जन्म जन्म देने के लिए क्या रखोगे, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, सोच के देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे वर्ब रखी जाएगी एडजेक्टिव रखी जाएगी, सोच के बताओ, आएगी थर्ड फॉर्म ही, लेकिन किस रूप में आएगी ये बताओ, एडजेक्टिव के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। अच्छा देखो, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म रखते हो वर्ब के रूप में, है ना, क्योंकि तो तुम्हें पता है वॉज वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है वर्ब के रूप में, तो जैसे माना बी ओ आर एन ही लिख देता हूँ एक मिनट के लिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक मिनट के लिए लिख देता हूँ बी ओ आर एन ही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली बाय, किसी ने तो करा होगा, किसी ने, कोई तो है जिसने इस बच्चे को पैदा करा होगा, है ना। तो ही वॉज बॉर्न इन रिच फैमिली बाय ए, माना कोई ए व्यक्ति है, तो आप इसका मीनिंग समझ लो क्या, इसका मीनिंग है कि ए ने उसको रिच फैमिली में पैदा किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लिखवा के ला रहा ऊपर से कि भाई मैं तुझे रिच फैमिली में पैदा करूंगा, ये पॉसिबल है, सोच के देखो, उसका जन्म रिच फैमिली में हुआ है, तुमने कुछ नहीं करा है उसमें, समझे, कि तुमने तुमने कराओ कि भाई तुम ये कहो कि तुम लेके आए उसको धरती पे अमीर परिवार में, तुम चाहते तो उसको गरीब परिवार में ले आते, अरे तुम्हारा बालक है तुम्हारे जैसे ही होगा, तुम अमीर तो बच्चा अमीर, तुम गरीब तो,
बच्चा भी गरीब है, समझ रहे हो सिचुएशन एक। तो यहां पर आप सोच के देखो कि एक्शन की बात चल रही है, स्टेट की बात चल रही है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसको पैदा करा गया है अमीर परिवार में, या वो पैदा हुआ है अमीर परिवार में। सोच के देखो कि बच्चे को अमीर परिवार में पैदा किया गया है या बच्चा अमीर परिवार में पैदा हुआ है, क्या कहोगे? सोच के देखो, खुद ही अपने हिसाब से देखो, समाज के हिसाब से। बच्चे को पैदा करा गया है अमीर परिवार में, ये गलत है। बच्चा पैदा हुआ है अमीर परिवार में, तो जब भी पैदा होने की बात चलती, इस वाले सिचुएशन में जो जन्म देना है वो एक्शन नहीं है। क्या नहीं है? वो एक्शन नहीं है, वो क्या है? वो स्टेट है। क्या है? वो स्टेट है कि बच्चा पैदा हुआ है। और अगर स्टेट है, अब देखो मीनिंग तो जन्म देने का चाहिए, जन्म देने के लिए दोनों आ सकते हैं, मेन वर्ब भी एडजेक्टिव भी। अब तुम्हें तुम्हें डिसाइड करना है। एक्शन नहीं है मतलब मेन वर्ब नहीं है, स्टेट है मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर एडजेक्टिव के रूप में, अगर एडजेक्टिव के रूप में जन्म देना चाहिए तो बी ओ आर एन बॉर्न नहीं, बी ओ आर एन बॉर्न चाहिए। क्योंकि बच्चे को, बच्चा पैदा हुआ है ये स्टेट है, बच्चा पैदा हुआ है क्या है? स्टेट है, एक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑल द एक्सपेंसेस वर, जितने भी एक्सपेंसेस हैं किसके द्वारा उठाए गए? कंपनी द्वारा सहन करे गए। अब देखो सहन करने वाली बात है तो समस्या की बात है ही नहीं, सहन करने के लिए तो एक ही शब्द है, बी ओ आर एन ई, बी ओ आर एन ई। नेक्स्ट देखो, दिस ट्री हैजंट एवर, दिस ट्री हैजंट एवर, एक बात ध्यान रखना, हैज हैव हैड के साथ कुछ भी आया है थर्ड फॉर्म के रूप में, हमेशा मेन वर्ब होगी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हैज हैव हैड आया है, हमेशा अपने साथ क्या लेगा? मेन वर्ब लेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं होता हैज हैव के साथ। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखी है, मेन वर्ब है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखी है, क्या है? मेन वर्ब है। और अगर मेन वर्ब है, ध्यान से सुनो, दिस ट्री, पहली बात तो मेन वर्ब केवल एक ही है, बी ओ आर एन ई, तो यहां से रख दो। बोले सर मीनिंग देख लो, मैंने कहा देखो, दिस ट्री हैजंट एवर एनी फ्रूट, इस पेड़ ने कभी भी किसी फ्रूट को जन्म नहीं दिया है। तो फ्रूट को जन्म देना तो दोनों ठीक है, लेकिन मुझे पता हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब, तो आप कहोगे बी ओ आर एन ई, ठीक है। उसके बाद देखो, जॉन्डिस इज अ वाटर डिसीज, जॉन्डिस जो है वो पानी से बहने, पानी से बेसिकली कैरी होने वाली डिसीज है, पानी से फैलने वाली डिसीज है। आर्टिकल ए आ गया, मतलब नाउन का इलाका यहीं से शुरू हो गया, डिसीज नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव आएगा तो तुम देख रहे हो कि सर एडजेक्टिव के रूप में बी ओ आर एन बोन लगा दूं, मैंने मना करा है। मैंने क्या कहा है? अगर मीनिंग टू कैरी का हो, मीनिंग किसका हो? टू कैरी, तो उस सिचुएशन में बी ओ आर एन भी क्या बन जाता है? बी ओ आर एन ई भी क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन बी ओ आर एन ई बॉर्न का मतलब होता है टू कैरी, किसी चीज को कैरी करना। तो जॉन्डिस जो है वो वाटर बॉन्ड, वाटर बॉर्न डिसीज है ना। तो आप ये कह सकते हो वाटर बी ओ आर एन ई बॉर्न, ये एडजेक्टिव है लेकिन बी ओ आर एन ई बॉर्न आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कुछ, बियर बॉर बॉर्न, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, बड़ा मतलब बहुत जरूरी है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ऐसे काम चलेगा नहीं इसमें। कुछ पेयर्स भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखो मैं थोड़ा छुट, अब तो मैं लग रहा हूँ कुछ सीक्वेंस नहीं बचा, कभी भी कुछ भी बता दे रहा हूँ मैं। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि पेपर के लिहाज से ये चीज़ें जो है ना, ये छुटकर फुटकर कुछ वर्ब्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। अब मुझे पता है क्या आ रहा है, तो मैं आपको ये टुकड़ों में तोड़ के बताता चल रहा हूँ कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि चैप्टर का लास्ट चल रहा है। मैंने कहा ना लास्ट क्लास हो सकती है आपकी, हालांकि मुझे लग नहीं रहा पूरा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं तो 10-15 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा 20 मिनट की और बच जाएगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं। तो देखो कई बार ना कुछ नाउन और कुछ वर्ब में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बोले सर कैसे? जैसे आपने सुना बी आर ई ए टी एच ब्रेथ है, और बी आर ई ए टी एच ई ब्रेथ क्या है? वर्ब है। आपने सुना बी ए टी एच नाउन है, फिर ए बी ए टी एच ई बात क्या है? वर्ब है। आपने सुना ए डी वी आई सी एडवाइस नाउन है, ए डी वी आई एस ई एडवाइस क्या है? वर्ब है। आपने सुना पी आर ए सी टी आई सी प्रैक्टिस क्या है? नाउन है। और मैं आपसे कहूँ एस ई वाला क्या है? वर्ब है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ प्रोफेसी, ठीक है, भविष्यवाणी करने की बात होती है तो प्रोफेसी होता है वो, और मैं आपसे कहूँ ये क्या है, एस वाला क्या है? वर्ब है। तो इतने माइनर से डिफरेंसेस से ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदल जाती है। अब मैं कहूँ कि भाई एक तो नाउन है और एक वर्ब है, तो तुम देखो कितना छोटा सा डिफरेंस है यार, बहुत माइनर सा डिफरेंस है नाउन और वर्ब में, समझ रहे हो? एक नाउन एक वर्ब है, कि भाई बहुत सारा डिफरेंस तो कहीं है नहीं कि तुम्हें देखने को मिल रहा हो कि जमीन आसमान का फर्क तुम्हें दिख रहा हो। केवल ई का फर्क है, या फिर सी की जगह किसका फर्क है? एस का फर्क है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखने में लग रहा है सही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा ध्यान कोई देता ही नहीं है। सी या एस, एडवाइस एडवाइस, सी या एस, बी ए टी एच बात, बी ए टी एच ई बात, समझे? तो ई का फर्क लगने से वर्ब बन गया, शुरुआत वाले नाउन नहीं है। तो ये आपसे कई बार पेपर में पूछ लेता है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल बन सकते हैं। मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, ध्यान से देखो, मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड, कि भाई हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं।
ध्यान से देखो, मैं आपको सवाल देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कब नाउन चाहिए कब वर्ब चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे माना मैंने कहा वी शैल डू इनफ, वी शैल डू इनफ प्रैक्टिस दिस टाइम, वी शैल डू इनफ प्रैक्टिस दिस टाइम, हम क्या करेंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे इस बार। एक सेंटेंस में देता हूं, यू कांट इवन ब्रीथ इन सच अ सिचुएशन, हिज प्रैक्टिस्ड या फिर प्रैक्टिस्ड मेथड, आगे बला 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 कुछ सेंटेंस है माना। कुल मिला के मेथड नाउन है, नाउन से पहले हमने क्या रखना है, एडजेक्टिव रखना है, देखो कौन सा वाला आएगा। बताओ अभी क्या लग रहा है तुम्हें, क्या कर सकते हैं आप? मैं बताता हूँ, देखो इनफ होता है बच्चे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव किसके पहले आएगा, नाउन के पहले। तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ऊपर क्या पढ़ा के आया हूँ देखना जरा, नाउन कौन होता है देख लो, नाउन कौन होता है, ये वाले सारे के सारे क्या है, नाउन है, ठीक है। ये वाले सारे के सारे क्या है, वर्ब है। नाउन होता है बच्चे सी वाला, जो सी वाला होता है वो नाउन होता है। तो प्रैक्टिस गलत है, क्या आएगा, प्रैक्टिस सी वाला आएगा। नेक्स्ट देखो, यू कांट इवन ब्रीथ, कैन नॉट, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब कैन आ गया, इवन होता है एडवर्ब, और यहाँ पे वर्ब आएगी, क्या आएगी यहाँ पे, वर्ब आएगी। अगर यहाँ पे वर्ब आएगी तो फिर सीधी सीधी बात है, वर्ब के रूप में ब्रेथ, देखो ब्रेथ नाउन है, ई वाला वर्ब है, अगर ई वाला वर्ब है तो ब्रेथ या ब्रेथ, ई लगेगा, ई एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा ब्रेथ में। एक तीसरा सेंटेंस, ये बड़ी जोरदार चीज है, ही प्रैक्टिस्ड या ही प्रैक्टिस्ड, सी वाला या एस वाला मेथड, हिज प्रैक्टिस मेथड, उसका प्रैक्टिस किया हुआ मेथड। अब मैंने कहा मेथड नाउन है, मैंने कहा हाँ सर, आप कहोगे हाँ सर, मैंने कहा नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर ये तो गलत बात होगी, तुमने तो चीटिंग करी। मैंने कहा क्यों, आप कहेंगे सर या तो आपने नाउन बताया या आपने क्या बताया, वर्ब बताया, या तो नाउन बताया या क्या बताया, वर्ब बताया। मैंने कहा अरे नाउन वर्ब तो बताया, लेकिन एडजेक्टिव भी तो किसी तरीके से बन सकता है, एडजेक्टिव किससे बनाते हो, नाउन से या वर्ब से। बोले सर वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, इसका मतलब जो प्रैक्टिस्ड लिखा है, जो थर्ड फॉर्म ईडी लिखी है, ये थर्ड फॉर्म किसकी होगी, नाउन की, नाउन की थर्ड फॉर्म होती भी है, सोच के देखो। अरे नाउन की थर्ड फॉर्म कहाँ होती है, थर्ड फॉर्म तो वर्ब की होती है, थर्ड फॉर्म किसकी होती है, वर्ब की। मतलब ये जो दोनों शब्द है ना ईडी वाले, ये किससे मिलकर बना होना चाहिए, अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। मतलब ये जो प्रैक्टिस या प्रैक्टिस लिख रहा हूं, ये किससे मिलकर बना होना चाहिए, ये वर्ब से मिलकर बना होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो क्या बनेगी, एडजेक्टिव। क्या नाउन की थर्ड फॉर्म बनेगी, नाउन की तो थर्ड फॉर्म होती नहीं है। अब आपको पता है प्रैक्टिस में जो एस वाला होता है, ये जो एस है प्रैक्टिस का, ये जो एस है ये वर्ब है, प्रैक्टिस में जो एस आया, एस वाला वर्ब है, ठीक है, सी वाला नाउन है। अब आप समझदार हो, जो सी वाला नाउन है, नाउन की आपको कोई जरूरत नहीं है, नाउन काम नहीं करेगा, समझे। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब कौन सी वाली होती है, वर्ब होती है एस वाली, वर्ब कौन सी होती है, एस वाली। इसलिए प्रैक्टिस्ड ठीक है, प्रैक्टिस्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रैक्टिस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, एडजेक्टिव बनती है। ये एक बेसिक तरीका है जहाँ पे आपको मैंने प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें सिखाई हैं, ठीक है। इसके बाद एक आपसे स्ट्राइक पूछा जाता है, थोड़ा काम की वर्ब है, ध्यान दे लो। अगर मैं आपसे कहूं स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक और स्ट्राइकन, ठीक है, स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म जो कि मेन वर्ब बनेगी, और ये थर्ड फॉर्म जो कि क्या बनेगी, एडजेक्टिव बनेगी, ठीक है। इसके बारे में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। मैं आपको कुल मिला के इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से थर्ड फॉर्म से सवाल आता है,
कई बार पता है ये एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछा गया क्या, द क्लॉक, सेंटेंस बड़ा सा होगा लेकिन वर्ब ये वाली, द क्लॉक स्ट्राइक्ड सिक्स, द क्लॉक स्ट्राइक्ड सिक्स, माना मैंने लिखा कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, कितने बजे थे, घड़ी में 6 बजे थे। अब स्ट्राइक्ड देखने में बड़ा सही सा लगता है, द क्लॉक स्ट्राइक्ड है ना, लेकिन स्ट्राइक जो है घड़ी में जो बजने की आप बात कर रहे हो उसकी सेकंड फॉर्म स्ट्राइक नहीं होती, क्या होती है, स्ट्रक होती है, क्या होती है, स्ट्रक होती है। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसके बाद ये ध्यान रखने के बाद आपको एक हैंग याद रखना पड़ेगा, ये बता देता हूँ, चलो ठीक है, सी हो गया। एक आपको याद रखना पड़ेगा हैंग, बड़ा कॉमन है, पूछा जाता है हैंग, हंग, हंग, ठीक है, इसका मतलब होता है लटकना, लटकाना, ठीक है। एक होता है हैंग, हैंग्ड, ये ईडी वाला ही है ना, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी लगाना, ठीक है ना, जो फांसी देना है, फांसी लगाना। देखो भाई, अगर तुम ये बात समझ रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, अब तुम्हें सेंटेंस में देख के समझना पड़ेगा किस मीनिंग की बात हुई है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको दे दूं, राम हैंग या हंग हिज शर्ट ऑन द वॉल, ठीक है, राम ने अपनी शर्ट को क्या दे दी, फांसी दे दी, लटका दिया। सोच के देखो, अगर शर्ट की बात चल रही है तो शर्ट को फांसी दे सकते हो, एक सेंटेंस ही बहुत है समझदार के लिए। राम ने शर्ट को फांसी दी दीवार पे, या राम ने शर्ट लटका दी दीवार पे, लटका दी। अब लटकाने के लिए सेकंड फॉर्म कौन सी हो सकती है भाई, लटकाने के लिए सेकंड फॉर्म हो सकती है हंग। तो आपके आपका जवाब होगा, जवाब होगा कि सर हंग सही है, हैंग गलत है। हैंग जो आएगा वो केवल किसके लिए आएगा, फांसी देने के लिए आएगा, ठीक है, ये चीज आपके ध्यान रखने की है। अब इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट बचा है केवल पढ़ने के लिए, कई बार सब्जेक्ट कॉमन होता है या वर्ब कॉमन होती है, दो बातें बताने के लिए आपको बची है ना। एक तो सब्जेक्ट कॉमन, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कॉमन है उस टाइम पे वो क्या रूल्स काम करेंगे, कई बार वर्ब कॉमन होती है उस टाइम पर रूल्स क्या काम करेंगे। ये दो ही बातें केवल बताने के लिए बचती हैं, इसके अलावा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये मान के चले 98% आपका चैप्टर कंप्लीट है। और ये दोनों टॉपिक्स बड़े हैं तो मुझे लगता है मैं क्लास अभी इधर ही खत्म कर देता हूँ, बाकी काम आपका नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बच जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब जो कॉमन वाली सिचुएशन मुझे आपको बतानी है उसमें टाइम बच जाएगा, है ना, 20-25 मिनट का मुश्किल से कॉन्सेप्ट होगा वो, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वर्ब का चैप्टर आपका क्या होता है, खत्म होता है फिलहाल के लिए, और आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। मुझे लगता है शायद 8th क्लास है वर्ब की, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, आपको अगर लग रहा है थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है, एक दो बार थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन हाँ वर्ब मजबूत कर लो, बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा आप सोचो। वर्ब मैंने आपको शुरू में बताया था, वर्ब टेंस मजबूत हो गए तो समझ लो अंग्रेजी मजबूत हो गई, गलती की संभावनाएं बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, अगर वर्ब और टेंस बेहतर से कर लिया। जितनी चीज़ें मैं दे सकता हूँ, जितनी कॉमन चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ कि हाँ इसके पीछे ये रीज़न है, इसको इस तरीके से यूज करेंगे, पेपर के लिहाज की मैंने सारी चीज़ें उठा ली हैं, है ना, मैंने ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऊपर ऊपर से गुजरा हूँ, बिल्कुल हर एक चीज़ मैं आपको करा के चलाऊँ, और ये मैंने आपको बहुत बेहतर से करा दिया है। वर्ब आपका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि हाँ जो 19-20 कमी लग रही है वो हम एक्सरसाइज में पूरी कर लेंगे, मैं आपको 150-200 सेंटेंस करवाऊंगा वर्ब के सॉल्व, टेंशन ना लो, बढ़िया से 150-200 सेंटेंस जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमें आता है और ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद से सॉल्व करने के लिए भी सेंटेंस दूंगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्व करना, ठीक है, चलो। तो ये रही बात, आज के लिए इतना ही रखेंगे यार, बाकी काम कल करेंगे, फिलहाल के लिए सभी को टाटा बाय बाय, बाकी काम कल करते हैं।